दोस्तों, आपने मन बना लिया है लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने का और आपके मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर मुझे लैपटॉप कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा मेरे लिए बेस्ट होगा लैपटॉप। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए जिससे आपको लैपटॉप कंप्यूटर में हैंगिंग प्रॉब्लम एंड स्पीड प्रॉब्लम बिल्कुल फेस नहीं करना पड़े। तो जानने के लिए इस वीडियो कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीसी कंप्यूटर हिंदी। दोस्तों, आप लैपटॉप वही खरीदें जो आपकी रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, सबसे पहले आप तय कीजिए मुझे आखिर लैपटॉप कंप्यूटर में करना क्या है। अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर में सिंपल टाइपिंग, डाटा एंट्री, इंटरनेट एक्सेस, ऑनलाइन रिलेटेड छोटे मोटे कार्य करना चाहते हैं, इस तरह से उपयोग करना चाहते हैं, इस तरह के काम के लिए यूज करना चाहते हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर को, ऑफिस में नॉर्मली काम हो, जैसे सरकारी विभाग में नॉर्मली काम हो, तो उसके लिए आप i3 का 4GB रैम कोई भी लैपटॉप ले सकते हैं। इनमें मैं आपको दो कंपनी सजेस्ट करता हूँ, HP एंड डेल, है ना। ये दो कंपनी बेस्ट है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग के लिए कोई लैपटॉप परचेस कर रहे हैं तो मेरा सजेस्ट है कि आपको यहाँ पर i5 से लेकर i7 तक आपको लैपटॉप परचेस करना है और उसके अंदर 8 से लेकर 16GB तक रैम होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग एंड गेमिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हाई लेवल के होते हैं, जिनका यूज करने के लिए लैपटॉप में पर्याप्त रैम एंड प्रोसेसर अच्छे स्तर का होना चाहिए। अगर आप 4GB रैम i3 में करेंगे तो लैपटॉप में हैंगिंग की प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो मेरा सुझाव है दोस्तों, आपको यहाँ पर i5 से लेकर i7 तक का एंड 8GB से लेकर 16GB तक रैम वाला लैपटॉप कंप्यूटर परचेस करना चाहिए इन कंडीशन में। आई होप आपको वीडियो काफी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।